गाइस, संजोत की हियर, वेलकम टू IFL। रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर कोल्हापुरी बना रहा हूँ आज। अब रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपीज जो होती हैं वो ट्रेडिशनल रेसिपीज से थोड़ी सी कभी कभी अलग बनती है। जैसे वेज कोल्हापुरी बहुत फेमस रेसिपी है और हमने YFL पर भी ये रेसिपी बनाई हुई है और बहुत सारे लोगों ने ट्राई की, आप सबको बहुत अच्छी भी लगी, सो थैंक्स फॉर ट्राइंग दैट रेसिपी। आज पनीर कोल्हापुरी बना रहा हूँ, विच इज़ अनदर रेस्टोरेंट स्टाइल डिलिशियस स्पाइसी वाली रेसिपी है एकदम। अब ये जो रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी है ये एक्चुअली ट्रेडिशनली कोल्हापुर में बिल्कुल भी नहीं बनाई जाती है। कोल्हापुर की जो ऑथेंटिक ट्रेडिशनल रेसिपीज हम बना चुके हैं चैनल पर, जैसे कोल्हापुरी मिसल पाव, कोल्हापुरी तांबड़ा पांडा रसा, मटन बनाया हम लोग ने पहले, तो ये जो रेसिपीज़ हैं ये ऑथेंटिक ट्रेडिशनल रेसिपीज़ हैं। ये जो वेज कोल्हापुरी, पनीर कोल्हापुरी, ये सब रेस्टोरेंट्स में इंस्पायर्ड वर्जन्स हैं। काफ़ी तीखा बनाया जाता है, कोकोनट इसमें थोड़ा सा डाला जाता है और वैसे इसको एक रेस्टोरेंट वर्जन बनाया जाता है जो ट्रेडिशनली कोल्हापुर में बिल्कुल नहीं बनता है। तो कोल्हापुर वाले जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, बुरा नहीं मानना, मुझे पता है ये आपके घरों में नहीं बनती है। ये रेस्टोरेंट वाली रेसिपी एट द एंड ऑफ द डे बहुत टेस्टी लगती है, एकदम स्पाइसी सी ग्रेवी होती है, साथ में तंदूरी रोटी खाओ बहुत मज़ा आएगा और बहुत आसान है रेसिपी बनाना। पनीर कोल्हापुरी रेस्टोरेंट स्टाइल बनती कैसी है देख लेते हैं। एक पैन को हाई फ्लेम पर रखकर गरम कर लीजिए। एक बार पैन गरम हो जाए तब इसमें 2 टीस्पून तेल ऐड कीजिए। तेल ऐड करने के बाद कुछ सूखे मसाले ऐड करने हैं। 1 टीस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून साबुत धनिया, 1 बड़ी इलायची, 2 से 3 हरी इलायची, 1 इंच दालचीनी, 4 से 5 लौंग, 4 से 5 साबुत काली मिर्च, 7 से 8 कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए, 3 से 4 तीखी वाली लाल मिर्च तीखेपन के लिए, और 1/2 कप ग्रेटेड नारियल इसमें ऐड कर दीजिए। ये सारी चीज़ों को अभी आपको अच्छे से स्टर करना है और मीडियम फ्लेम पर भूनना है जब तक कि मसाले जो हैं वो अच्छे से भून नहीं जाएं और नारियल भी आपका अच्छे से थोड़ा सा भून जाना चाहिए। आप देख सकते हो मसालों को मैंने अब अच्छे से भून लिया। इस प्रोसेस को 3 से 4 मिनट लग जाएगा। इस स्टेज पर यहाँ पर 1 टीस्पून खसखस ऐड करना है और 1 टीस्पून सफ़ेद तिल ऐड करना है। ये दोनों चीज़ों को ऐड करके बस और 30 सेकंड के लिए स्टर करते हुए थोड़ा सा और भून लीजिए कि खसखस और तिल भी हमारे जो हैं हल्के से भून जाएं। एक बार सारे मसाले आपने अच्छे से भून लिए हैं तो इन्हें बोल में ट्रांसफर कर दीजिए। अब इन मसालों को आपको अच्छे से ठंडा कर लेना है पीसने से पहले। तो मसाले अब ठंडे हो चुके हैं, इन्हें एक मिक्सर ग्राइंडिंग जार में ट्रांसफर कर दीजिए। साथ में थोड़ा सा आपने पानी ऐड करना है आसानी से ग्राइंड करने के लिए। इसकी अभी आपको एक फाइन पेस्ट तैयार कर लेनी है, तो इसे अच्छे से पीस कर एक फाइन पेस्ट तैयार कर लीजिए। तो आप देख सकते हो इसकी एक फाइन पेस्ट मैंने तैयार कर ली है, इसे अभी साइड पे रख देना है। अब एक दूसरे मिक्सर ग्राइंडिंग जार में 5 से 6 टमाटर, 20 से 25 बॉईल किए हुए काजू और 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालकर आपको एक प्योरे बना लेनी है। तो अच्छे से टमाटर, काजू और मिर्ची को साथ में पीस के एक फाइन प्योरे बना लीजिए। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर यहाँ पर जो डाली है वो और अच्छा लाल कलर देगी। पहले भी हमने मिर्ची यूज़ की है दूसरे वाले पेस्ट में, और काजू जो है वो इस ग्रेवी को अच्छी रिचनेस देगा। तो आप देख सकते हो मैंने टमाटर और काजू को साथ में अच्छे से पीस लिया और हमारे टमाटर और काजू की प्योरे रेडी हो गई है। तो हमारी 2 पेस्ट हमने ये तैयार कर ली हैं। ये जो है बेसिक तैयारी पनीर कोल्हापुरी की, एक जो हमने मसाले और नारियल को साथ में पीसा और एक टमाटर और काजू को जो साथ में पीसा। जो मसाले हमने साथ में पीसे हैं उससे जो वो फ्लेवर है कोल्हापुरी वाला, वो कोकोनट वाला, वो फ्लेवर आ जाएगा, और जो टमाटर और काजू हमने साथ में हमने पीसे वो जो है टैंगीनेस और वो रिचनेस प्रोवाइड करेगा। जो काजू हमने ऐड किए वो मैंने गर्म पानी में भिगो दिए थे 15-20 मिनट के लिए। आप उबाल भी सकते हैं काजू को, एक 10 मिनट के लिए उबाल लीजिए पानी के अंदर और फिर काजू डालने, कच्चे काजू मत डाल देना, वो मिस्टेक नहीं करना, ध्यान रखना है। तो ये 2 आपने एक बार पेस्ट बना ली। ये पेस्ट को हमको एक तड़का देना है प्याज लहसुन अदरक का, और ये ग्रेवी को पकाना है 15-20 मिनट के लिए और पनीर कोल्हापुरी की ग्रेवी रेडी हो जाएगी। ये जब तक ग्रेवी पकेगी तभी हम लोग साइड पे पनीर को और साथ में प्याज और कैप्सिकम के जो पेटल्स हैं उसको थोड़ा सा टॉस करके फिर पनीर की ग्रेवी में ऐड करेंगे और फिर हमारा पनीर कोल्हापुरी रेडी हो जाएगा रेस्टोरेंट स्टाइल वाला। तो ये सारी चीज़ें जो है एकदम आसान है, कैसे करनी है वो देख लेते हैं। तो ग्रेवी को पकाने के लिए एक पैन में 2 टेबलस्पून तेल ऐड कीजिए। तेल एक बार गर्म हो जाए तब 1/2 टीस्पून जीरा, 2 सूखी लाल मिर्च, 1 तेज पत्ता, 2 चॉप किए हुए प्याज और 2 से 3 चॉप की हुई हरी मिर्च ऐड कर दीजिए। सारी चीज़ों को आपको अच्छे से स्टर करते हुए प्याज को लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक आपको भूनना है। हमने यहाँ पर हरी मिर्च भी डाली है, पहले 1-2 बार और मिर्च इसमें डाली है। ये वाली जो ग्रेवी है काफ़ी स्पाइसी बनती है, अगर स्पाइस थोड़ा आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम करना चाहते हो तो हरी मिर्च और लाल मिर्च दोनों थोड़ी सी कम कर सकते हो। जो कश्मीरी लाल मिर्च है वो कलर ज़्यादा देती है, तीखापन ज़्यादा नहीं देती है, तो वो आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो कलर के लिए।
तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने प्याज को अच्छे से भून लिया है, लाइट गोल्डन ब्राउन रंग के हो गए हैं। इसमें अब एक टेबलस्पून अदरक लहसुन की पेस्ट, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालकर अच्छे से आपको स्टर कर लेना है। अब जो वाटन हमने तैयार किया था, जो पहली वाली मसालों वाली पेस्ट तैयार की थी, वो आपने ऐड कर देनी है। साथ ही में जो हमने टमेटो प्योरे बनाई थी वो भी इसमें ऐड कर दीजिए। अब इसमें थोड़ा सा टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड करना है, अच्छे से सारी चीज़ों को स्टर कर लेना है और मीडियम फ्लेम पर इसे अभी हमें पकाना है जब तक कि ऑयल इसमें से सेपरेट नहीं हो जाता है। तो ढक्कन लगाकर मीडियम फ्लेम पर 15 से 20 मिनट के लिए अच्छे से इस ग्रेवी को पकाइए जब तक कि ये ग्रेवी थोड़ी सी थिक नहीं हो जाती है और इसमें से तेल जो है वो अलग नहीं हो जाता है। तो लगभग अभी 10 से 12 मिनट हो गए, तो ग्रेवी को एक बार चेक कर लेते हैं। अब देख सकते हो इसका रंग थोड़ा सा गहरा हो गया है, थोड़ी सी ग्रेवी थिक भी हो गई है। तो यहाँ पर कंसिस्टेंसी एडजस्ट करने के लिए थोड़ा सा गर्म पानी इसमें ऐड कर रहा हूँ। कंसिस्टेंसी एडजस्ट करके अच्छे से स्टर कर लीजिए, फिर से ढक्कन लगा दीजिए फर्दर कुक होने के लिए। जब तक ये ग्रेवी आगे पक रही है, साइड पे एक पैन या वॉक को आपको अच्छे से गर्म कर लेना है। उसमें 1 टीस्पून तेल ऐड करना है। तेल गर्म हो जाए तब उसमें 1 लार्ज प्याज के आपको ऐसे पेटल्स कट करके ऐड कर देने और 2 मीडियम साइज की कैप्सिकम को डाइस करके ऐड कर देने और बस 30 सेकंड के लिए इसे हाई फ्लेम पर टॉस करना है। प्याज और कैप्सिकम टॉस करने के बाद यहाँ पर मैं आधा किलो पनीर इसमें ऐड कर रहा हूँ। आप देख सकते हो पनीर को क्यूब्स में कट किया हुआ है। चुटकी भर नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 चुटकी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1 चुटकी भर गरम मसाला पाउडर इसमें ऐड करना है और हल्के हाथों से स्टर कर लेना है या हल्के हाथों से इसे टॉस कर लेना है। बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, लगभग 1 मिनट के लिए पनीर को आपको पका लेना है कि हल्का हल्का कोट हो जाए मसालों से और थोड़ा सा स्ट्रक्चर पकड़ ले। तो आप देख सकते हो पनीर को अच्छे से हमने टॉस कर लिया है, अभी से हमें ग्रेवी में ऐड कर देना है। तो ढक्कन निकाल लीजिए ग्रेवी का, पनीर को ग्रेवी में ऐड कर दीजिए। हल्के हाथों से आपको ग्रेवी के साथ पनीर को मिला देना है, स्टर कर देना है। ध्यान देना है हल्के हाथों से करना, नहीं तो पनीर जो है वो टूट जाता है। एक बार आपने पनीर को ग्रेवी के साथ अच्छे से मिला लिया है तब ऊपर से 1 चुटकी भर कसूरी मेथी पाउडर, 1 चुटकी होममेड गरम मसाला, 1 टीस्पून नींबू का रस, खूब सारा ताज़ा कटा हुआ धनिया और 2 से 3 टेबलस्पून यहाँ पर फ्रेश क्रीम ऐड करनी है। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, लेकिन जो टमाटर का टैंगीनेस है ये क्रीम बैलेंस कर देती है। अब हल्के हाथों से सारी चीज़ों को आपको अच्छे से स्टर कर लेना है। तो एक बार आपने सारी चीज़ें स्टर कर ली है तो आप देख सकते हो हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल कोल्हापुरी पनीर रेडी हो गया है। लेट्स प्लेट इट YFL स्टाइल। रेस्टोरेंट स्टाइल कोल्हापुरी पनीर तो इतना डिलिशियस बना है, काफ़ी स्पाइसी बनता है ये। आपने नोट किया होगा 4-5 बार इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर गई है, बट टेंशन मत लो, जो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर है ना वो बहुत ज़्यादा तीखापन नहीं ऐड करती है, वो मेन कलर ही ऐड करती है। जो हमने स्पाइसी वाली तीखी वाली लाल मिर्च ऐड की, जो हमने पेस्ट में ऐड की थी, उससे ही तीखापन आता है और वो हरी मिर्च से तीखा बनाता है। तो घबराइए मत कि इतनी बार कश्मीरी लाल मिर्च डाल दिए कि बहुत ज़्यादा ये ओवर स्पाइसी हो जाएगा, उतना ओवर स्पाइसी भी नहीं होता है, एकदम मैनेजेबल वाला स्पाइसी होता है, कलर खाली इससे लाल आ जाता है। तो ये चीज़ को ध्यान दीजिए, अगर स्पाइसीनेस थोड़ी कम करना चाहते हो तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हरी मिर्च और तीखी वाली लाल मिर्च जो है वो थोड़ी सी कम कर सकते हो। कश्मीरी लाल मिर्च इतनी ही डालिए, एकदम परफेक्ट आपका कोल्हापुरी पनीर बनेगा रेस्टोरेंट वाला। ये रेसिपी जरूर अपने घर पर ट्राई करो और मुझे कमेंट्स बताओ आपको कैसी लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू YFL इफ यू हैवंट येट। Have an amazing time with this beautiful restaurant style paneer kolhapuri recipe at your home. Cheers.